ईपीएफ एसी 2021 के जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स आ चुके हैं। तो हम इसमें, चूंकि अभी इंडिविजुअल पेपर वन पेपर टू का मार्क्स नहीं आया है, तो हम अभी इसमें सिर्फ जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स का एनालिसिस करेंगे। जो मार्क्स आए हैं उनके इंडिविजुअल वो हम देखेंगे। इस बार देखा जाए, अब तक जो हम आपको हाईएस्ट मार्क्स जो बता रहे थे, हाईएस्ट मार्क्स 113 रह रहा था, लेकिन इस बार जो है 120 जो है, 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 120 मार्क्स आए हैं। मीन्स 113 का जो ब्रेक था, जो बैरियर था, वो इस बार टूट गया और 113 या उससे ऊपर इस बार 14 कैंडिडेट्स हैं। और जो 120 है वो 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स के 120 मार्क्स आए हैं। उनके रैंक हैं 33 रैंक, 35 रैंक और 86 रैंक। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट रैंकर है उसी का इंटरव्यू में हाईएस्ट आएगा, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। 120 जो आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, 33rd रैंक, 35th रैंक और 86 रैंक वाले का है। फिर यदि हम सेकेंड हाईएस्ट सपोज मार्क्स देखें तो 116 है, और 116 उसमें से एक हमारा स्टूडेंट है, वो जो कान्हा जोशी हैं, जो हिंदी माध्यम के हैं, तो उनका 16th रैंक है, तो उनका 116 है। और दूसरे जो 29th रैंक है उनका भी 116 मार्क्स है। फिर देखा जाए तो 115 8 कैंडिडेट्स हैं ऐसे। तो 8 कैंडिडेट्स में उनका रैंक है जो आपका 5th रैंक, 8th रैंक, 11th रैंक, उसके बाद 15th रैंक, 31st रैंक, 37th रैंक, 48th रैंक और 102nd रैंक। तो ऐसा आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल जो बाद वाले रैंक के हैं उनके भी हाइएस्ट मार्क्स आते हैं। तो हर कैंडिडेट्स के पास पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है। फिर आप देखोगे कि जो 113, तो ओनली वन कैंडिडेट है जिनके 100 ये आए हैं, ठीक है, 113, तो इसमें से शायद 26 रैंक वाले का ये है। तो जो हम इस बार टोटल देख रहे हैं, 120 आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, 3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। फिर उसके जो सेकंड हाईएस्ट है 116, तो इसमें 2 कैंडिडेट्स हैं। 115 जो है वो 8 कैंडिडेट हैं। 113 जो है वो 1 कैंडिडेट का है। 111 जो है वो आपका 1 कैंडिडेट का है। 110 ये आपके 8 कैंडिडेट्स का है। इसका मतलब है कि हम यदि 110 या प्लस देखें तो 110 या उससे प्लस, 10 या प्लस जो है वो कितने कैंडिडेट का है, 23 कैंडिडेट का। फिर 108 जो है ये 6 कैंडिडेट का है। 107 जो है 1 कैंडिडेट का है। और 105 जो है एक ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ होता है, तो इसमें 12 कैंडिडेट हैं। इसका मतलब है, तो ये यदि देखा जाए तो क्या है, 70% आपका मार्क्स होता है। अब ये देखा जाए तो 120 क्या है, 80% मार्क्स है। तो 80% और 70% के बीच में कितने आपके टोटल कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो 42 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 70% या उससे ऊपर मार्क्स मिला है। तो ऐसे कैंडिडेट कितने हैं, 42 कैंडिडेट्स हैं जिनको 110 या उससे ऊपर मार्क्स मिला है। अब यदि हम नेक्स्ट मार्क्स यदि देखें तो 104 3 कैंडिडेट्स का है। 103 जो है ये आपके 2 कैंडिडेट का है। 102 जो है फिर ये 6 कैंडिडेट का है। 101 जो है ये आपके 3 कैंडिडेट का। और 100 जो ट्रिपल डिजिट हम कहते हैं, तो वे 8 कैंडिडेट। इसका मतलब है 64 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 100 या उससे ऊपर, यानी कि ट्रिपल डिजिट में जो है वो 64 कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि मार्क्स देखें 99, तो 99 ये आपके 6 कैंडिडेट का है। 98 जो है ये 14 कैंडिडेट का है। 96 जो है 3 कैंडिडेट का है। 95 जो है वो आपके 12 कैंडिडेट्स का है। 93 जो है वो आपके 10 कैंडिडेट्स का है। 92 जो है वो आपके ये 4 कैंडिडेट्स का है। और 90 जो है वो 11 कैंडिडेट्स का, यानी कि जो आपके 90 तक हैं, इसका मतलब जो 90 में बोलता हूँ बेंचमार्क, ये जो बेंचमार्क है बेंचमार्क तक 125 कैंडिडेट्स। समझ सकते हो कि 100 51 कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया गया, उसमें 125 जो है वो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क आपका मार्क्स 90 है, तो 125 यानी कि समझ सकते हो 151 में 125 यानी कि
80% कैंडिडेट्स को 90+ मार्क्स मिले हैं, यानी 60%+ मार्क्स। अब ये मैं किसी कैंडिडेट्स को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि अब बहुत सारे, जैसे हमारे कैंडिडेट्स में से मैंने बताया कि 116 हाईएस्ट मार्क्स है और 84 शायद जो है वो लोएस्ट, और 84 उस कैंडिडेट का है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्रीतम का 45 रैंक है। लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट नो, मैं उसने पहले ही बोला था कि सर मेरे इंटरव्यू में जो है आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसका मैं सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया, तो इनका 45th रैंक है, उनका ये स्थिति मतलब जो भी इंटरव्यू में खराब हो गया। लेकिन चलो एट द एंड ऑफ द डे आप टॉप 50 में है, 45th रैंक है, आपको अपना फर्स्ट चॉइस मिल रहा है, तो दुख उसका नहीं होता है। तो ये जो 125 है उनके बेंचमार्क जो है वो 90 या 90 से ऊपर है। फिर उसके बाद देखो 89 मार्क्स जो है वो वन कैंडिडेट का है, फिर जो 88 है वो फोर कैंडिडेट का है, फिर आपका 87 जो है वो थ्री कैंडिडेट्स का है, फिर 86 जो है वन कैंडिडेट का है, 85 जो है वो थ्री कैंडिडेट का है, 84 जो है वो टू कैंडिडेट का है, 83 जो है वो टू कैंडिडेट का है, 80 जो है वो वन कैंडिडेट का है, और 77 जो है वो थ्री कैंडिडेट का, 75 जो है वो थ्री कैंडिडेट का, 74 जो है वो वन कैंडिडेट का, और 70 जो है तो 71 कैंडिडेट का। तो लोएस्ट यदि देखें ये हाईएस्ट 120 और लोएस्ट आपका 70, तो ये कितने का डिफरेंस है, 50 मार्क्स का। लेकिन 70 जो है उस कैंडिडेट का है जिनका रैंक जो है 151 है, यानी कि 151st रैंक जिनका है, यानी कि वो एक सर्विसमैन में है, तो एक सर्विसमैन में है तो उनका 70 मार्क्स है। और जो जनरल ओपन कैटेगरी वाले, जनरल इन द सेंस वो जनरल नहीं, ओपन कैटेगरी वाले में, ओपन कैटेगरी वाले में 74 लोएस्ट है, तो 120 में से 74 करते हो तो 46, 46 जो है ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स में जो मार्क्स के डिफरेंस है, तो हमेशा ध्यान रखो ऐसे देखा जाए तो 50, तो 40+ 45, 46, 48, 50, 53 तक है वो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का गैप होता है। अभी जो भी ये क्या है, अब 21 वाले जो हैं उनके लिए ये बहुत मायने नहीं रख रहा है, सिलेक्शन हो गया आपका रैंक आ गया। हाँ जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके मार्क्स वगैरह वो अपना ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारी चीजें। अब जिसमें से उनके चांस हैं जो 22 में, तो 22 में जिनका भी चांस है देने का, तो उनके लिए ये फायदा है, उनके लिए वो सही है, वो आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को, वो चीजों को देखोगे तो उनको पता चलेगा। ओके सो आपके डिफरेंसेस जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाता है। ये आपका 120 अभी इस बार, ये आपका कपल ऑफ इयर्स से देखोगे कि 113 आ रहा था, इस लास्ट 4 इयर्स में से यदि हम 21 को छोड़ दें तो 2020, 2019 और ये शायद 2018, ये इन 3 इयर्स में 113, और शायद 2017 में 107 शायद हाईएस्ट कुछ ऐसा ही था जो भी, या एग्जैक्ट मतलब इस 4 इयर्स में, 4 इयर्स का देखो तो 3 इयर्स में 113 हाईएस्ट था और एक 1 ईयर में 1107 हाईएस्ट था, लेकिन इस बार जो है वो बैरियर तोड़ दिया और 113+ कई कैंडिडेट्स थे, यानी कि यदि 113 को हम छोड़ दें तो आपके क्या है कि 13 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो 113 से अधिक लाए, तो उसमें से 120 आपके जो हैं वो थ्री कैंडिडेट्स हैं। तो देखो थ्री जो कैंडिडेट्स हैं तो 33rd रैंक, 35th रैंक और 86th रैंक, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि किसी का भी अभी आप में पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल है, और लैंग्वेज बैरियर ये सब जो है बहुत मायने नहीं रखता है, सो आप उस पर वर्क करो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909066 पे मैसेज कर सकते हो। ओके थैंक यू।